काली जबान ने गांडू डेरी, तूने बोला गाड़ी बंद हो गई, आहा लगा सावा ओटे ओटे। अबे तू नासिर को कॉल कर लेता ना, सारे नोट अलग कर लेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे, समझ गए ना लड़को। एक मिनट, ये उर्दू में क्या लिखा हुआ? अबे बैंक डॉलर पाकिस्तान लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ? ईद मुबारक है। क्या हो गया भाई, गौर से पढ़, ईद मुबारक कहाँ से लिखा होगा? असली निकले, इनको गिनते हैं। अशरफ भाई जो हो गया छोड़ो यार। अरे नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सही चेक किए हैं, दोबारा चेक किए, बिल्कुल सही है पैसे। वह फैल गए तुम। हाँ तो तुम नहीं फैले, अभी आबिद को हिस्सा पूरा देना था, अब तुम भी ले रहे हो ना भाई, पैसे कम हो गए, अब डिवाइड होंगे तीनों में। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है सब? अमन है ना? अबे भाई शुक्र अपने को अपने पैसे मिल गए भाई। ड्राइवर तो टोपियां कराए जा रहा था, लेकिन शुक्र है यार, अभी सही लहू बनावट अपने को अपने पैसे मिल गए आखिरकार। लेकिन यार 50 करोड़ में से विन किया, देखो क्या हिस्सा मिला अपने को, 4 करोड़ 5 लाख विन किया। मैंने भाई सोचा वाला 10-12 करोड़ मिलेंगे भाई, क्या क्या करूँगा। खैर ये भी पैसे सही हैं, लेकिन यार मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये जुबैर विन किया कि नकली नोट क्यों लेके जा रहा था? क्या इसने क्या गुड़िया के बाल बेचने थे वहां पर, जिसमें नकली नोट डाल के बेचते हैं? मेरे समझ नहीं आया, ड्राइवर भाई से भी पूछा वो बता ही नहीं रहे, बोले यार मेरे को नहीं पता भाई, ये अब पैसे आ गए, आम खाओ गुटलियां नहीं गिनो कह रहे हैं। मेरे समझ नहीं आ रहा। खैर यार मेरा दिमाग की जो अभी शायद चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरा मावा खत्म हुआ हुआ है, मैंने ना पैसे छुपा के रखे हुए हैं अभी, ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? ओ किसी को बताना नहीं, ये आबिद को पता लग गया ना, विन किया 1-2 लाख निकाल लेगा इसमें से। एक मिनट, ये देखो किसी जगह मैंने छुपा के रखे मैं बेड के नीचे, है ना? अबे इसको आराम आराम से खर्च करना है, अब मैं जाके जो ना ऐसी चीज़ें भी नहीं ले सकता। ट्रेवर भाई मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई चोरी का पैसा है, आराम आराम से सोच समझ के खर्च करो। और हाँ भाई मैं ना सोच समझ के खर्च करूँगा। ये आबिद कहाँ है? ये अभी मेरी बाइक की चाबी मांग रहा था। अबे तेरे पास इतना पैसा आ गया, अपनी बाइक या गाड़ी ले, लेकिन नहीं मेरी चाबी मांग रहा है अभी। कहाँ है ये? इसको चाबी दूँ फिर मैं नहाने जाऊँ, मैंने भी काम पर जाना है। ये अबे अबे कहाँ है? अबे अभी ये क्या कर रहा है? क्यों ऐसा ऐसा करती है तो ऐसे ऐसे मरती है। अबे क्या कहने गा रहे? ओए पैसा क्यों निकाला हुआ तूने? अरे अशरफ भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़के क्या कर रहा था भाई, गाने गा रहा था? अरे वो मैं टिकटॉक बना रहा था अशरफ भाई। अबे तो पैसा क्यों निकाला हुआ तूने? अरे वो पैसे दिखा के नहीं टिकटॉक बना रहा था। हाँ बड़े भाई पूरी दुनिया को बता दे, एक काम कर, जुम्मे की नमाज के बाद ना पर्चे बांट देगा, तेरे पास पैसे आ गए। अरे तो उससे क्या हुआ? अबे क्यों बता रहा है लोगों को, ये कौन सा हका लाल कमाई का पैसा, तुझे पता है लोगों को पता लग जाएगा, अजीब आदमी है यार तू। अरे नहीं यार वो ऐसे यार शौक से बना रहा था। अरे ये बता मेरे को, तूने पैसा यहाँ निकाल के टेबल पे क्यों रख रहा है भाई, भूसरी के क्या पैसा खाएगा तू? अरे नहीं ना मैं जा रहा हूँ ना, जरा वो चाबी चाहिए, चाबी दे। किधर जा रहा है ये तो बता मेरे को। अरे पहले तो मैं जाऊँगा अब्बा के पास, वो पैसे देकर आने, आपको बताया था ना हमारा फैमिली का कर्जा चल रहा है, और मेरा घर भी जो है यार वो हमने किराए पे लिया हुआ था पहले, तो उसमें मसला हो गया था पहले, तो अब्बा को जो है ना बड़ा लॉस था पैसों का, तो वो देना है मैंने। अबे तेरा बाप नहीं पूछेगा ये पैसा कहाँ से आए? उनको भी बोलूंगा ड्राइवर भाई वाले डायलॉग के, आम खाओ गुटलियां ना गिनो। अबे फिर भी यार कितना कर रहा है तुम लोगों का? अरे पहले तो मैं जाऊंगा अब्बा को पैसे दिखाऊंगा। अबे सारे दिखा देगा तेरा बाप, सारे पैसे ले लेगा तेरे से। अरे नहीं ना मैं भी पागल थोड़ी हूँ, 50-60 लाख कर्जा है मेरे ख्याल में, वो बस चुकाना है यार, अब्बू की बड़ी हेल्प हो जाएगी यार, और वो मुझे प्राउड भी फील करेंगे। हाँ बड़ा प्राउड फील करेंगे, जैसे तेरी हकलाल कमाई का पैसा है। अरे हाँ ना अशरफ भाई आप मुझे बाइक की चाबी दे दो प्लीज। अबे बाइक तो ले ले यार, अपनी गाड़ी ले ले अभी यार, पैसा देख रहे तेरे पास कितना है। अरे वो मैं ले लूंगा ना, आप ही के साथ चलेंगे लेने, आप ढूंढ के दे दो मुझे कोई। हाँ मैं कहाँ से ढूंढ कर दूँ, अब मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे प्रिय शाही में 50 लाख की लेनी है। अरे नहीं क्या हो गया, इतनी महंगी गाड़ी नहीं लेनी, पहले बाइक लूंगा फिर आराम से गाड़ी, पहले तो अपने ये फ्लैट भी चेंज करना है ना हमने। हाँ वो तो अपन सोचेंगे। अच्छा ये गाड़ू ऐसे पैसे मत लेके जाइयो, बैग कहाँ है इसका? अरे वो बैग पीछे रखा हुआ। अच्छा हाँ बैग में डाल के पैसे लेके जाइयो, और एहतियात से जाइयो भाई, 70 पे जा रहा है ये ना हो तेरा भाई, जितने की बाइक नहीं है उतने का तेरा माल लेकर जा रहा है तू। हाँ ना मैं तो आराम से जाऊंगा, कौन सा मैं दिखा दिखा के जा रहा हूँ। अरे हाँ और पुलिस अगर रोके ना शायद हो रही हो गलियों से बता रहा हूँ। अरे यार पुलिस का तो मैंने सोचा ही नहीं। लड़के एक काम कर, तुझे लाजमी जाना है क्या? हाँ ना मैं तो अभी सुबह चले जाऊंगा बस, चाचा भी जा रहे हैं आज भावलपुर वापस, तो उनको ड्रॉप भी करके आऊंगा, और वापसी में मैंने काम पे जाना है। अच्छा तूने काम पे भी जाना है वापसी में? हाँ काम पे भी जाना है। अच्छा वहाँ पैसा मत लेकर आइयो भाई।
अरे नहीं हो ना, पहले जब भी तो मैं घर जा रहा हूँ पैसे वहाँ ड्रॉप करूंगा, फिर वापस काम पे और फिर शाम में घर आ जाऊंगा। हाँ लड़का सही है, और हाँ किसी से ढिंडोरा मत पीटियो के इतने पैसे आ गए, समझ गया ना? हाँ मैं समझ गया। अच्छा यार अशरफ भाई मैं लेट हो रहा हूँ, चाबी दे दो। अबे उधर टंगी हुई है वहाँ पे टेलीफोन के पास, वहाँ से ले ले। सही है मैं नहाने जा रहा हूँ, सही है लॉक करके जाइयो। ठीक है अशरफ भाई, ओके अशरफ भाई अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़ लड़के। चलो हो भाई, इसको भी समझाना पड़ता है वरना ये ना चुटियापे की हरकतें कर रहा होता है। अबे भाई आज तो तिरीसी का दीदार होगा भाई, इसलिए मैंने ना अपनी फूल वाली शर्ट निकाली है, सही है ना, हरी वाली। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा ना एक्शन मार के जाएंगे, क्या बोलते हो भाई? चलो मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, अपन ना लेट हो जाए भाई काम के लिए। तेरे दीहन किधर है, इधर हीरो इधर है। चलो भाई अपन हो गए रेडी, अब चलते काम पे। कैसा लग रहा है आपका भाई? भाई कमेंट में जरूर बताना, हीरो तो लगता ही हूँ मैं, लेकिन फिर भी बता दिया करो कैसा लग रहा हूँ, ताकि ना मेरा खून बढ़ जाता है सुन के तुम लोगों की तारीफों से। अरे लव यू गाइस, तुम लोग बहुत तारीफें करते हो मेरी। आबिट गया ना? हाँ हाँ गया, वो चाबी ले गया मेरी। चल यार अपन निकलते हैं, अब हमने भी जाना है भाई काम पे। ओए होए चलो, आज मौसम अच्छा है, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना अंडर पहन ली है कुछ। लेकिन यार फिर भी यार सर्दी होने वाली है, मैंने सुना है बर्फ़ वगैरह भी पड़ने वाली है भाई आजकल, तो भाई मैं ना जैकेट वगैरह ले लूँगा पहले, इससे पहले कि भाई ठंड पड़ जाए, और अपने पास पहनने के लिए कुछ हो ही नहीं भिंडियाँ मैं यार। अबे हाँ ले गया, शुक्र है भाई शुक्र, ले गया अपनी 70। हाँ मैंने भाई सीढ़ियों के नीचे खड़ी की हुई थी, वरना ये गांडू यहीं पर खड़ी रखता। चलो भाई, अबे बारिश हुई है साथ में, ये देखो पानी पड़ा हुआ है अभी। ये देखो कल्टस, देखो एक शेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, वो जुबेर की गाड़ी भिंडियाँ की स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अबे यार शीट यार, वो भी लेके आनी है यार, सारे काम ही मेरे पे आए हुए हैं यार। एक तो उसको लेके आना भी अजाबी भिंडियाँ। अबे इसको क्या हो गया भाई, कौन नहीं है? अबे तो यहाँ चर्सी मवाली बहुत हो गए यार, समर्थपोर्ण का नशा करके फिरते हैं और फिर यहाँ बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं यार कौन बन रहा है। खैर एनी वेज अपन निकलते हैं भाई, कोई और कॉल कर देगा एम्बुलेंस को, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। अब एक मिनट यार, ये जुबेर की गाड़ी मैं कैसे लेकर आऊँगा यार, वो ख़राब हो गई थी ट्रेवर भाई के वेयर हाउस में खड़ी हुई है वो। रुको नासिर को कॉल करता हूँ, काम से वापसी में नासिर के साथ जाके जो है ले आऊँगा। हेलो नासिर। अरे अशरफ भाई सलाम अलैकुम। अरे इतनी इतनी सुबह खैरियत? अरे लड़के यार तेरे से काम है लड़के, आज फ्री है ना तू? अभी तो फ्री नहीं हो, अभी तो उठाऊँ मैं नाश्ता वाश्ता करूँगा। क्यों क्या हुआ? अबे लड़के यार मेरे ना वो गाड़ी ख़राब हो गई, सही है तो लेकर आनी है वो। हैं अभी तो क्या हो गया, मैं तो नाश्ता करूँगा फिर तैयार होऊंगा। अबे भड़वे अभी नहीं, शाम में। हाँ शाम में कितने बजे तक? अबे शाम में 6-7 बजे तक, फ्री है ना तू? हाँ मैं फ्री हो जाऊँगा। अबे भाई कैसे, क्या बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं हो रही? हाँ लड़के टोटो रख लेना पड़ेगा तेरा। हाँ टोटो रख मैं ले आऊँगा, फिर कहाँ पा रहा हूँ, आपके घर पे आऊँ आपको पिक करने? अबे हाँ घर पे आ रही हूँ मेरे, मैं पहुँच जाऊँगा 6 बजे तक अपने घर पे, तू ट्रक लेके पहुँच जा। है तो कहाँ से लेके आनी है भाई? अबे ट्रेवर भाई के घर पे खड़ी हुई। अबे क्या हो गया, वहाँ तो 1 घंटा लगता है भाई अशरफ भाई। अबे यार तू लेकर आनी है, अबे खड़ी रहेगी वहाँ पे, और तुझे पता है पूरे हफ्ते मेरे को काम है, मैं बिजी होऊंगा लड़के, बस काम निकाल लियो यार। अरे तो अभी काम करो ना, 5 बजे तक आ जाऊँ मैं। अबे भड़वे 5 बजे तक छुट्टी नहीं होती मेरी। अरे आप आज जल्दी निकल जाओ ना यार। अबे भाई वहाँ पे 1 घंटा भी लगेगा, और टो ट्रक में आएंगे तो समझो 2 घंटे, क्योंकि वो हल्के चलता है भाई। आप 5 बजे छुट्टी कर लो तो फिर मैं आ जाऊँगा। चल लड़के मैं बात करता हूँ, सही है तुझे मैसेज करके बता दूंगा मैं। हाँ जो भी हो मेरे को कॉल करके बता देना। ओके चलो भाई मैं निकलता हूँ, मेरे को तैयार होना है। ओके लड़के निकल। चलो भाई यही हो सकता है, काम से मैं आज जल्दी निकल जाऊँ ना, तो फिर यार मैं आज गाड़ी लेके आ सकता हूँ, वरना भाई ये गाड़ी अटक जाएगी और पूरे फिर भिंड के अगले दिन छुट्टी होगी ना मेरी, फिर लेके आऊँ फिर सही करवाऊँ। अभी वो गाड़ी में काम भी तो करवाना और निकालनी है। अरे माइकल भाई ने गाड़ी पीछे खड़ी की हुई है, खैरियत तो है भाई, मेरे ख्याल में आगे जगह नहीं होगी। अबे ये ट्रक कौन सा आया हुआ है, मेरे ख्याल में कोई माल वाला आया, मेरे ख्याल में वो तो आज ही पता लगेगा कि भाई क्या करना है। गोलू ना नजर नहीं आ रहा, गोलू ए गोलू। अरे गोलू हो ना हो, उसकी बहन हो बहन की आँख। अच्छा है गोलू नहीं है, वरना गोलू जो है ना वो अटका रहता है भिंड की आँख मेरे पास। एक मिनट देख लूँ पहले गोलू है भी या नहीं। अबे और गाड़ियाँ ले आए माइकल भाई, मेरे ख्याल में आधा दे दिया इन्होंने, और गाड़ियाँ आ गई हैं। मुझे लग रहा है भाई फिर कोई गारमेंट से डील हो गई है इनकी, क्या गाड़ियाँ वाड़ियाँ दे दूँ, जैसे इन्होंने वेगनार पे ली है ना वैसे मेरे ख्याल में डील हो गई है इनकी। हाँ लाल भी आ गए भाई, बड़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं। चलो माइकल एक मिनट टेरेसी है। अरे वोरी 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 एक मिनट, यहाँ से ढक के देखूँ नज़र ना आ जाए।
अरे भाई देख रही है भाई, निकलो भाई। माइकल भाई से पूछता हूँ भाई क्या काम करना है, फिर किसी बहाने से ना अंदर घुस जाएंगे। आज तो जिमी नहीं है ना भाई, आज गप्पे मारेंगे तेरे सी से। अस्सलामुअलैकुम माइकल भाई। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अशरफ, कैसे हो? अरे करम है मालिक का। अरे माइकल भाई वो नजर नहीं आ रहा, जिमी नजर नहीं आ रहा। अरे यार उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार है, इसलिए आज वो नहीं आएगा। ओह अच्छा अच्छा माइकल भाई, फिर क्या सीन है भाई, गाड़ियाँ वाड़ियाँ और आगे मंगा ली तुमने? हाँ यार, अभी एक कंपनी से डील चल रही है, उसी हवाले से आज का काम है। गाड़ियाँ तो मैंने मंगवा ली हैं क्योंकि इसकी रीसेल है अच्छी यहाँ पर सिटी में, मैंने पता किया है। तो यार आज तुमने एक काम करना है, तुमने जाना है टैक्सी वेयर हाउस। टैक्सी वेयर हाउस जाके क्या करना है मैंने? अरे यार उनसे मैं डील की है मैंने अभी, तो उनसे बात चल रही है। जो तुम सिटी में टैक्सियाँ देख रहे हो ना, ये जो चल रही हैं। हाँ हाँ वो तो लोकल चलती है ना माइकल भाई। अरे ये भाई इनसे डील हो गई ना, तो मैं जो है सारी टोयोटा प्रियस जो है वो यहाँ पे टैक्सी चलवाऊंगा। अरे माइकल भाई लोग 50 लाख की गाड़ियाँ खरीदते हैं, अब टैक्सी में बैठ के जाएंगे 50 लाख की। माइकल भाई क्या डील की है आपने? अभी डील की नहीं है, अभी उनसे बात चल रही है मेरी। उन्होंने बोला आप हमें सैंपल गाड़ी से हैंड करें, तो तुम उनके वेयर हाउस में अभी गाड़ी डिलीवर करके आ जाओ। अच्छा माइकल भाई पर वापस कैसे आऊँगा मैं? अभी ट्रक खड़ा हुआ पीछे। वो मैंने देखा आते हुए, वही मैं बोल रहा था मेरे ख्याल में क्या आया हुआ या जा रहा है। नहीं नहीं वो परचेज कर लिया मैंने, अब वो कंपनी का ट्रक है अपना, तो वो तुम गाड़ी चढ़ा के जो है ना वहाँ पे ले जाओ। कौन सी वाली माइकल भाई गाड़ी? यार ये पर्ल वाइट कलर की खड़ी हुई ना, बिल्कुल स्टार्ट में खड़ी हुई है। हाँ वाइट कलर वाली खड़ी हुई है, वो आइए तुम डिलीवर कर दो, एड्रेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सही है ना? हाँ सही है माइकल भाई। अच्छा माइकल भाई एक और बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो माइकल भाई। ऐड ना मैंने जल्दी निकलना है क्योंकि मेरे को काम है। क्या हो गया, कौन सा काम है? खैरियत, कितने बजे निकलना है? यार माइकल भाई 5 बजे तक मेरे को छुट्टी चाहिए, बल्कि 4:30 तक, क्योंकि घर तक 5 बजे पहुंचना है ना मैंने। खैरियत क्या काम है? अरे माइकल भाई गाड़ी का काम कराना है मैंने यार, बड़ा मसला हुआ भाई, स्टार्ट होने में मसला कर रही है। चलो ठीक है, तुम्हें मैकेनिक के पास जाना है। हाँ मैकेनिक के पास जाना है। अरे तो कंपनी का मैकेनिक उसको दिखा दो। अरे नहीं नहीं वो कल्टस नहीं है ना मेरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी है मेरे पास। वाह भाई दो दो गाड़ियां रख ली तुमने अशरफ। अरे बस है ना माइकल भाई, इसलिए ना वो दूर खड़ी हुई सैंडी शोर जाना है उसको मैकेनिक लेके। तो माइकल भाई जरा 4:30 बजे का छुट्टी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे तक ना मैकेनिक आएगा मेरे घर पे। चलो ठीक है निकल जाना। एक काम करो, तुम ट्रेसी को बोल देना वो क्लॉकआउट करवा देगी तुम्हारा, तो शीट में वो डाल देगी। अच्छा पैसे वैसे तो नहीं कटेंगे ना माइकल भाई? अरे नहीं कटेंगे ना, ये तो लीव में तुम्हारे काउंट होंगे, जो तुम्हारी सिक लीव्स है ना उसमें से। हाँ ठीक है ठीक है, तुम ट्रेसी को बोल दो और फिर फटाफट निकल जाओ, जल्दी डिलीवर करके फिर आ जाओ, फिर जो काम होगा थोड़ा बहुत निपटा लेना और फिर निकल जाना। ओके माइकल भाई, थैंक यू माइकल भाई। चलो भाई अपनी जल्दी छुट्टी हो गई, और भाई ट्रेसी को बताएंगे भाई, कुलोक वलोक पता नहीं क्या करने का बोल रहे थे ये, अभी बात करते हैं। एक मिनट अशरफ, यू गेट डिश। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? यस कम इन। थैंक यू। मुझे ना माइकल भाई ने वो बोला है कि मेरे को ना छुट्टी चाहिए। ओके आपको छुट्टी चाहिए, एनी स्पेसिफिक रीजन? वो मुझे ना जाना है, वो काम से जाना है ना, तो इसलिए ना उनको मैंने बता दिया, उन्होंने बोला कि ट्रेसी को बोल देना। मैम ट्रेसी। सॉरी मैम ट्रेसी को बोल देना कि भाई तुम्हारा जो है ना वो सिस्टम विस्टम में जो भी है ना वो डाल दे, तो मेरे पैसे नहीं कटेंगे फिर। ऑलराइट फिर आपकी सिक लीव में से मैं जो है काट लूंगी। वो मेरी बात हो गई, वो हाँ सिक लीव में से काटेंगे, तो आप ना वो रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्टर व्हाट? हाँ वही जो भी होता है वो कर देगा। सही है okay. आपको कोई काम वाम है तो मेरे को बता दें। नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, एनीथिंग एल्स? अच्छा वो गोलू नहीं है? गोलू कौन? वो जिमी, जिमी जिमी मैं उसको प्यार से गोलू बोलता हूँ ना। उसकी तबीयत खराब थी। ओह जी। अच्छा उसकी तबीयत खराब है, चलो अल्लाह बेहतर करे। कोई जिंदगी मौत का मामला नहीं है, जो अल्लाह बेहतर करे ही विल बी फाइन। और कोई काम? नहीं नहीं और कोई काम नहीं मुझे। थैंक यू मैम ट्रेसी। यू आर वेलकम। चलो भाई ये गोलू गांडू जो ना अल्लाह करे 1 महीने तक बीमार रहे, क्योंकि वरना ये आगे पीछे घूमता रहेगा। अरे भाई ये बीमार रहेगा ना, अब मेरे पास चांस है। चलो भाई अपने को पर्ल वाइट वाली गाड़ी डिलीवर करनी है, ये है ना। चलो भाई इसको चढ़ाते हैं ट्रक में, और एड्रेस मेरे को दिया, एक मिनट में मोबाइल में देख लूँ कौन सा दिया माइकल भाई ने। अरे ये तो अपने आबिद के वेयर हाउस से विनकी है। अबे चलो भाई आबिद से भी मुलाकात हो जाएगी, काम पे गया हुआ ना लड़का। चलो भाई आबिद को सरप्राइज दूंगा मैं, उसको भी बताऊंगा ऐसी डील आने वाली है बेटा, तू प्रियस चलाएगा लड़के। ईमान से यार कितनी सुन गाड़ी है ये, विनकियाँ स्टार्ट कर लिए मैंने, लग ही नहीं रहे कि मैंने स्टार्ट किए भाई।
अरे आराम आराम से निकालूं भाई, अल्लाह करे ये डील हो जाए भाई। माइकल भाई तो करोड़ों में खेलेंगे भाई, इतनी बड़ी डील है भाई। 50 लाख की गाड़ियां टैक्सी बन के चलेंगी सिटी में विंड की यार। ये गाड़ी वैसे अच्छी है ना, क्या कहते हो तो ले लूँ क्या मैं? 50 लाख के पैसा तो आपके भाई के पास बहुत है वैसे यार, लेकिन इस गाड़ी से टेरेसी इम्प्रेस होगी या नहीं? मेरे को तो यार ये लेडीज कार लगती है, मुझे अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन यार अंदर से बड़ी लग्जरी गाड़ी है ये। कल्टस से तो बेहतर है वैसे, कल्टस तो बस रखी हुई है बहन, कौन से अपने पैसों से ली थी मैंने। चलो इसको यार उल्टी उल्टी खड़ी करते हैं, काम करते हैं। थोड़ा आगे करूँ इसको पहले मैं, अभी ट्रक से जो ना रैंप नीचे करना है मैंने। अबे ऐसा ट्रक तो भाई फ्रैंकलिन भाई के पास भी है, वो भी चलाया मैंने। अबे ये ट्रक मेरे ख्याल में बड़ा पायदार ट्रक है, जब भी जो ना सब यही खरीद रहे हैं। अबे मैं भी अपना काम करूँगा ना, यही ट्रक खरीदूँगा मैं। ये देखो ना इस पर गाड़ी आराम से चढ़ जाती है, वरना भिंड के दूसरा डाला मंगाओ उस पर गाड़ी चढ़ाओ, इससे तो बेहतर यही है यार। ये मेरे ख्याल में अंदर से फीचर भी इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलो अब गाड़ी चढ़ाते हैं भाई, फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई इसका। चलो भाई गाड़ी को हुक कर दिया मैंने। चलो अब खुद ही ऑटोमेटिकली गाड़ी ऊपर जाएगी भाई, लेकिन हाँ भाई हैंड ब्रेक नीचे होना चाहिए, वरना गाड़ी विंड के आगे उसके टायर जल जाएंगे, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। क्या सिस्टम है यार इस ट्रक का, महंगा होगा काफी, मेरे को ये पता नहीं है कितने का। जब अपना काम अपन शुरू करेंगे ना फिर सोचेंगे कि भाई ये लेना या नहीं लेना, बस मेरे बजट में हो। अभी सबसे पहले ना अपन को घर देखना है अच्छा सा। यार बट टेरेसी से बातचीत हो जाए ना, अभी किस बहाने से नंबर मांगू मैं इसका। चलो कोशिश करता हूँ नंबर मांगने की, मैं इनसे बोलूँगा वो आपका भी नंबर दे दें, मुझे कभी आपसे जो ना छुट्टी वुट्टी लेनी हो तो मैं आपको कॉल कर दूँ डायरेक्ट, है ना। इसी बहाने से लेता हूँ, क्या आइडिया है, इसी बहाने से नंबर लेता हूँ ताकि ना मेरे पास इनका नंबर आ जाए, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस भेजूँगा इनको वो रोमांटिक दिल वाले, है ना। कैसा, अबे ऐसे तो सेट होती हैं लड़कियाँ, है ना। एक मिनट GPS में एड्रेस डाल लूँ पहले मैं। ओए ट्रक तो चेक करो भाई, अंदर से फुल जेन्युइन सिस्टम है भाई, फुल कंचा ट्रक है। मेरे ख्याल में ये 50 लाख का तो होगा, मेरे ख्याल में, पता नहीं है, मैं कभी पूछूंगा माइकल भाई से, ये गोलू को पता होगा विन क्या, गोलू आया ना गोलू से पूछूंगा कितने का। ओए ओए स्पीड भी इसके, आराम आराम से चलाऊँ भाई, गाड़ी हमने कंपनी को देनी है, वो बोलेंगे भाई कौन सी बजी हुई गाड़ी दे दी अपने को इन्होंने, उनको अगर पसंद आएगी मेरे ख्याल में तभी डील होगी माइकल भाई की। ये तो माइकल भाई बताएंगे भाई डील हुई है या नहीं हुई है भाई, मेरे ख्याल में क्या पता डील हो गई हो, वो मंगवा रहे हो कि भाई हमने ये चेक वेक करनी है, जाहिर सी बात है वाइट कलर में तो चलेगी नहीं ना, टैक्सी वैक्सी के कंपनी के लोग आएंगे मेरे ख्याल में, इसके हो गई होगी डील, मेरे से छुपा रहे होंगे, बहुत हरामी है माइकल भाई, हर चीज़ पहले बताते नहीं है। ये गोलू होता ना, गोलू गांडू बता देता मेरे को, लेकिन गोलू आया ही नहीं है आज। अरे हाँ नासिर कबाड़िया को फोन कर दूंगे भाई, हाँ छुट्टी मिल जाएगी मुझे, इसको कॉल मिलाता हूँ। आशर भाई फिर क्या रिपोर्ट है? अरे लड़के मैं 4:30 बजे काम पर से निकल जाऊँगा, 5 बजे फिक्स पहुँच जाइयो घर पे। अरे मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगा, टेंशन नहीं लो, आप पहुँच जाना बस 5 बजे तक। अबे मैं 4:30 बजे निकलूँगा, मेरे को 15 मिनट लगेंगे, मंटा वो तेरा भाई आएगा, मैं पहुँच जाऊँगा 15 मिनट में भाई, मैं पहुँच जाऊँगा 4:45 तक, तू 5 बजे तक लड़के ले आइयो बस। अरे मैं निकल जाऊंगा, मैं वैसे 4 बजे फारिग हो रहा हूँ, मैं तो आराम आराम से आ जाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो। हाँ लड़के पर पहुँच के ना मेरे को मैसेज करियो। हाँ मैं पहुँच के मैसेज कर दूंगा। ओके चिरप भाई। ओके लड़के। हेलो भाई नासिर की बात हो गई, अब आबिद को कॉल करता हूँ, बल्कि नहीं आबिद को सरप्राइज दूंगा कि भाई बोलेगा अरे अशरफ भाई आप मेरे ऑफिस में कैसे आ गए, मैं बोलूँगा बेटा जो तू टैक्सियाँ चला रहा है ना उसके मालिक से आया हूँ मैं। आबिद भी खुश हो जाएगा, बोलेगा प्रिया आ रही है भाई। अभी आज देखो कैसा इत्तेफाक है यार, मैं सुबह आबिद से बात ही कर रहा था, वो बोल रहा था गाड़ी लेनी है, मैंने बोला प्रिया ले ले, अब देख किस्मत की करनी, देखो भाई अब अगर ये डील हो गई तो ये देख भाई बंदा जो है प्रिया चलाएगा टैक्सी में भाई, आबिद तो खुश हो जाएगा, सरप्राइज दूंगा मैं उसको।
ये देखो सामने टैक्सी जा रही है ना भाई, अगर डील हो गई तो प्रियस चलती हुई कैसी लगेंगी ना, है ना? इमेजिन करो कितनी अच्छी लगेंगी भाई, ये तो लंड की सीधी टैक्सी है विन के, कितने पुराने जमाने की है, खत्म होनी चाहिए अभी ये। अबे बड़ा है ना व्यक्ति के, इतनी फट्टी है तो इन लोगों के यहाँ सिग्नल भी नहीं है फिर भी रुका हुआ है गाड़ू का बच्चा। ये यही है ना वेयर हाउस, अरे यहाँ 70 खड़ी होगी ना अभी, ढोगा इधर ऐसी बात है, बोलो टैक्सी लेकर गया होगा ना 70 ऑलरेडी खड़ी होगी। अब वो बंदा खड़ा हुआ ना, माइकल भाई ने बोला था बंदा खड़ा हुआ, उसको बस तुमने हैंड ओवर करनी है गाड़ी और निकल आना। चलो भाई बंदे से पूछते हैं भाई। हाँ भाई जान, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ अशरफ हियर फ्रॉम माइकल मैकेनिक्स। हाँ माइकल एंड सन्स भाई, माइकल मैकेनिक्स कुछ नहीं है। ओह हाँ सॉरी माइकल एंड सन्स भाई जान, ये डिलीवर करने को बोला था तो यहाँ पर डिलीवरी ले लें सही है, और मेरे को ना वो रसीद दे दें। हाँ रसीद मैं आपको अभी देता हूँ बना के, वेट। अच्छा तो ये जो है गाड़ी की डिटेल्स हैं सही है, ये इसमें सारा लिखा हुआ है, और ये टोयोटा है ना, हाँ तो वाइट वाला मॉडल है, और ये नंबर प्लेट की डिटेल्स मैंने यहाँ जो है वो फिल कर दी है सही है। आपको जो है ना ये रिसिप्ट मिल रही है, आप जाके प्लीज़ ये माइकल भाई को दे दीजिएगा। मैं माइकल भाई को दे दूँगा। अच्छा आपसे एक बात करनी है, आप यहाँ क्या हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ सर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आप आबिद को जानते? हाँ आबिद को जानता हूँ, यहाँ का ड्राइवर है वो। अच्छा हाँ वो अभी कहाँ है? अभी कहाँ, वो तो एक हफ्ते से ही जॉब पे नहीं आया है। एक हफ्ते से? हाँ वो पता नहीं निकला हुआ था, कुछ उसने लीव्स ली हुई हैं अभी, मेरे ख्याल में उसने कुछ बताया नहीं, कह रहा था मैं जॉब शायद छोड़ दूंगा। अच्छा मेरे कह रहा था कि जॉब पे निकले हो। यार आप एक काम करो, गाड़ी ड्रॉप कर देंगे प्लीज़ आप यहाँ पे? हाँ मैं ड्रॉप कर देता हूँ, सही है ड्रॉप कर देता हूँ। हेरा यार अभी मेरे को बोला था मैं काम पे गया हुआ, छूटे मेरे को। खैर अभी ये गाड़ी उठा रहा हूँ, फिर कॉल मिलाता हूँ उसको, गांडू है किधर ये। अजीब आदमी है, मेरे से झूठ क्यों बोल रहा है अभी? मेरे से तो हर बात शेयर करता है ये गांडू। अभी आने दो मैं उसको बताऊँ, खैर मैं आने दो नहीं, इसकी जासूसी करता हूँ, उसको कॉल करता हूँ अभी, देखता हूँ क्या बोलता है मेरे को। हो सकता है, क्या पता यार ये तबीयत वबीयत ख़राब हो गई, उसकी सर्दी भी तो हो रही है ना, ये डाटा भी मेरी 70 लेके। यार अभी आएगा तो पूछूंगा, लेकिन अभी कॉल मिलाता हूँ उसको, अभी पता लग जाएगा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बहन का लोड़ा ये कह रहा है कि एक हफ्ते से काम पे नहीं आया ये, और मेरे को बोल रहा है मैं काम पे जाता हूँ भाई, मेरी 70 लेके गांडू ये डाटा किधर है? रेशम वैसे तो नहीं लगा रही डेविल्स पॉइंट पे? मेरी 70 की माँ को लंड दे रहा है ये मेरे ख्याल में, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। एक हफ्ते से साला काम पे नहीं है और मेरे से चाबी मांग कर रहता है कि मैं काम पे जाऊंगा काम पे जाऊंगा, मेरी बाइक घिस रहा है ये भिंड की आँख। चलो भाईजान ये हो गई आपकी गाड़ी यहाँ पे डिलीवर, चलो ओके भाईजान मैं निकलता हूँ, मैंने यहाँ डिलीवर कर दी। ओके जी आप निकलिए, ओके थैंक यू सर। यो वेलकम यार, कितना नाइस बनता है ये आबिद, बहुत हरामी है भरवा। अभी कॉल मिलाता हूँ उसको मैं, मेरे को बोलता है काम पे जा रहा हूँ मैं, हाँ बहुत हरामी है, बहुत हरामी है। मैसेज करता हूँ उसको, कहाँ है आबिद? हैं माँ गाड़ू का बच्चा व्हाट्सएप पे सीन कर रहा और मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा, अभी कॉल करता हूँ उसको मैं। यहाँ साइड पे लगाता हूँ, कॉल करता हूँ उसको मैं। बहुत अड़ी वाला, मेरे मैसेज सीन करके मुझे रिप्लाई नहीं देगा, इसके अभी गान मारता हूँ। हेलो अशरफ भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, लड़के किधर है तू? मैं तो जॉब पे हूँ, आप कहाँ हैं? मैं लड़के मैं भी जॉब पर हूँ, वो छोटा मारने में बाहर आया था ना, तो मैंने सोचा तेरे को कॉल कर दूँ, मैंने तेरे को मैसेज किया तो उन्हें सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं दिया, तेरे से काम था लड़के, कहाँ पर है तू? वह तो अशरफ भाई यहाँ मैं निकला हुआ हूँ अभी सवारी लेने ना, मैं एयरपोर्ट की तरफ आया हूँ। अच्छा अच्छा तो 70 कहाँ, अपने अब्बा के घर पर खड़ी करके आता है लड़के तू? अरे नहीं वो तो ऑफिस में खड़ी होती है ना, क्यों क्या आपको बाइक चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं बाइक नहीं चाहिए, मैं ऐसे पूछ रहा था। अच्छा हाँ लड़के तो फिर कितने टाइम से काम पर जा रहे तू?
अरे मैं तो डेली जा रहा हूँ, आपसे बाइक लेके जाता तो हूँ, आपको बताता तो हूँ। क्यों, क्या हुआ अशरफ भाई, क्या हो गया? खैरियत तो, जॉब छोड़ने की बात करनी है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तू काम पे ना? सही है, काम पे रह। मैं काम पे हूँ, सही है, शाम में मिलते हैं। ओके लड़के। ओके अशरफ भाई, ओके आई एम बिजी, वो राइड आ गए। ओके अल्लाह हाफिज अशरफ भाई। अल्लाह हाफिज लड़के। बोसड़ी वाला बोले काम पे जाता हूँ मैं। कितना मादर चोर है यार, ये झूठ बोल रहे मेरे से। इसके पीछे लगना पड़ेगा, वरना अगर मैंने इसको बोल दिया ना कि भाई मुझे पता लग गया तू काम पे नहीं जा रहा, कोई ना कोई खिचड़ी पका रही है। ये मेरे को पता करना, क्योंकि ये मेरे से कोई बात छुपाता नहीं है। अब इसने ये बात मेरे से छुपाई है ना, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। भेड़ की आँख दाल ही काली है, पूरी भिंड की आँख। कुछ ना कुछ ये गाड़ू कर रहा है, मेरे को लगाना है पता। अभी तो भाई फिलहाल मैं ये ट्रक ड्रॉप कर दूँ और निकलना है भाई अपन ने, गाड़ी लेकर आनी है अपनी। यार अब मुझे जो है ना सोच में पड़ गया हूँ, ये जाता कहाँ है गांडू? जब ये काम पे नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है। बच्ची बच्ची का चक्कर तो नहीं है? विंड के डेटे मारने तो नहीं जा रही है? फिर शक्ल तो है नहीं इसकी बच्ची वाली, फिर भी यार अब तो मेरे को पता लगाना ये जाता कहाँ है। रोज मेरे से बोलता है कि अच्छा भाई मेरे को चाबी दो, मैंने जाना है काम पे। मैं भी देखो कितना सीधा हूँ, मैंने बोला अगला बेचारे के पास जो है बस में जाता है, ना गाड़ी है ना बाइक है, मेरे पास तो गाड़ी है, मैंने उसको चाबी दे दी। अगला मेरे से झूठ बोल रहा है यार, मेरे को ये पसंद नहीं है मेरे से कोई झूठ बोले। विनकियाँ यार ये गलत किया इसने, ये तो मैं पता लगा के रहूँगा गांडू। एक तो देखो हमने इसकी जान भी बचाई है और मेरे को चूतिया बना रही है। ऐसा नहीं सोचा था यार मैंने, मेरे साथ रह भी रहा है अगला बंदा और मैं जो अगले अपार्टमेंट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ तो अगला मेरे साथ जाएगा। यार बंदा टेरेस ही कर रहा है मेरे पे, कोई ना कोई चक्कर है, ये तो मैं पता लगा के रहूँगा भाई। फिलहाल तो भाई माइकल भाई को बोलूँ, काम हो गया मैं निकलता हूँ भाई। एक मिनट, माइकल भाई गए तेल लेने, टेरेस ही को ही बोलते हैं है ना, क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी मैम टेरेसी, अशरफ अगेन। यस कम इन। अच्छा मैम टेरेसी, वो मैंने डिलीवर करके आ गया हूँ, सही है? जो माइकल भाई ने मेरे को वेयर हाउस का एड्रेस दिया था ना गाड़ी का, वो मैंने डिलीवर कर दिया। ओके तो आप अभी क्या जाना चाहते हैं, क्लॉक आउट कर दो? जी जी अभी मैं जाना चाहता हूँ, सही है? तो आप मेरा जो वो क्लॉक आउट है ना वो लगा दें, सही है? ओके ओके मैं कर देती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, एनीथिंग एल्स, और कुछ काम है? नहीं नहीं। अच्छा वो आपसे एक बात करनी थी। Yes, yes, बोल रहे हैं, क्या काम है? अच्छा वो आप ना मेरे को अपना नंबर दे सकती हैं? जी नंबर क्यों चाहिए आपको मेरा? नहीं नहीं, वो इमरजेंसी के लिए, कभी अगर मेरे को छुट्टी वुट्टी चाहिए हो, सही है, सुबह अगर मेरी तबीयत वबीयत सही नहीं हो तो मैं आपको कॉल करके या मैसेज कर दूँ। वो माइकल भाई ने मेरे को बोला था कि ये जो HR है ना वही डील करती हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में जो होती हैं। मैम टेरेसी ही बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला छुट्टी वुट्टी सैलरी जो भी बात करनी हो उनसे करा करो। आप बोले तो माइकल भाई से बात करा दूँ मैं। नहीं नहीं, माइकल भाई से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बोला होगा था। ओके आई विल डू इट। ओके मैं आपको नंबर ईमेल कर दूंगी। जी जी मेरे को ईमेल कर देगा आप, सही है? ओके थैंक यू मैम टेरेसी, वेलकम, गुड इवनिंग, इट्स आफ्टरनून एक्चुअली। ओह सॉरी आफ्टरनून, ओके ओके मैम टेरेसी, आई लव इट, ऑफिस। हेलो भाई, नंबर आएगा मेरे पास अब ईमेल पे, फिर इनको अच्छे अच्छे व्हाट्सएप मैसेज करूँगा मैं। चलो भाई अब निकलते हैं, ये आबिद गांडू को नहीं छोड़ूंगा मैं। देख रहे हो तुम लोग कितनी हरामपन वाली हरकत की है इसने। यार अभी तो अपन चलते हैं, नाचे डाने वाला होगा, फिर गाड़ी भी लेकर आनी है अपन ने। ये मैंने सोचा भी नहीं था ये गांडू इतना हरामी निकलेगा। देख रहे हो तुम लोग आबिद इतना हरामी है, तुम बोलते हो आबिद शरीफ है, आबिद शरीफ है, लवड़े का शरीफ है वो। देखो यार पैसे आए तो बदल गया यार, आबिद तो बिल्कुल बदल गया यार। अबे ये अभी ट्रक लेके आ गए विनकी आँख, इसको मैंने बोला था कि 5 बजे तक आई हो, अभी क्या टाइम हो रहा? अबे 4:50 हो रहे हैं, सही पहुंच गया लड़का यार। आ नाचे लड़के, अबे गाड़ी में है? गाड़ी में नहीं है, कहाँ गया ये? मेरे ख्याल में निकल गया होगा, इधर उधर छोटा वोटा लेने गया होगा, बोल लो अच्छा भाई लेट है, मैसेज देखो उसके आए हुए या नहीं। मैसेज तो कोई भी नहीं आया हुआ, रुको ऊपर जाता हूँ अभी, मैं ना पेशाब कर लूँ फिर उसके बाद कॉल करता हूँ उसको। बेकयानी में भी तेरा है, भोसड़ी गई कौन है?
है भाईजान, सैयद कौन हो आप? अशर भाई, सलाम अलैकुम। वाले भोसड़ी के क्या तैयार हो यार होके आया तू? अशर भाई, वो तो आपने मेरे को काम की ड्रेसिंग में देखा, काम के बाद में ऐसी किट शीट में रहता हूँ। वाह भाई, ऐसे लग रहा जैसे मैं तेरे को शादी में लेके जा रहा हूँ ब्यूटी के। चल तू आ गया तो चलते ही। अरे अंदर वंदर तो बिलाओ, चाय वाय तो पिलाओ। भोसड़ी का लोड़ा ले ले मेरा, अभी इतनी दूर जाना, हमने चाय बाद में पिला दूंगा मैं तेरे को। आ जा लड़के, चलते हैं अब। वाह यार, मैं तो आपके घर के बाहर खड़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि भाई अंदर वंदर बैठे गए, थोड़ी चाय पियेंगे। चाय पीने काडू को, आ जा लड़के जल्दी निकलते हैं भाई, तुझे पता पर अंधेरा हो जाएगा। हाँ ये तो भी है। अच्छा वापसी में तो मेरे को चाय पिलाना। अबे क्या चाय कभी जिंदगी में नहीं पी, तूने पी लियो लड़के चाय यार। अच्छा चलते हैं अब, खोल जल्दी। हाँ चलते हैं अशरफ भाई। और अशरफ भाई, आबिद नजर नहीं आ रहा मेरे को। अबे आबिद गया हुआ काम पे, भोसड़ी वाला, उसका नाम नहीं ले मेरे से। है क्या हो गया अशरफ भाई, खैरियत तो है ना? अबे हाँ सब खेते थे, गाड़ू गाड़ी चला तू, जल्दी लेकर आते हैं, वैसे ही लेट हो गए। है कहाँ लेट हो गए, मैं तो टाइम पे आया हूँ। अरे लड़के मतलब लेट इसलिए हो रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा, समझ नहीं रहा यार तू। हाँ हाँ, और अशरफ भाई सुनो, क्या रिपोर्ट है भाई, आजकल क्या चल रहा है? अबे क्या कर रहा है, देख के तो चला। हाँ अशरफ भाई, इसका ब्रेक सही नहीं है। ओ भोसड़ी के ब्रेक सही नहीं है, लेकर क्यों आया तू? ये एक्सीडेंट हो जाएगा, पागल का बेटा नहीं है? अरे इसका ब्रेक सही नहीं है, जब ही तो हल्की चला आ रहा हूँ। अबे हल्के चला, और हल्के चला, एक्सीडेंट करवाएगा, पता नहीं कौन सी गाड़ी लेकर आया है तू। आ, तो कबाड़िया हूँ मैं, कोई मर्सिडीज का शोरूम नहीं है मेरा भाई, ऐसी गाड़ियाँ मिलती है मेरे को। ये देखो जब रेस छोड़ता हूँ ना, फिर ये हैंड ब्रेक खींचता हूँ मैं, तब जाके ब्रेक लगता है। हसे शेर है गांडू जैसे, पता नहीं क्या तीर मारा है तूने, सही करवा इसको। मैं नहीं सही करवाऊंगा, कबाड़िया में जब कोई पार्ट आएगा ना नया, वही जोड़ दूंगा मैं। वाह भाई वाह, क्या तरीके हैं तेरे इनकी आँख। और बता लड़के, तू दुकान वुकान देख रहा था, उसका क्या हुआ? अरे अशरफ भाई, हाँ दुकान वुकान तो देख रहा हूँ मैं, लेकिन यार ये पार्टी वाले बहुत दिमाग की मैच चोद रहे हैं आजकल। अबे तो तुझे मैंने बोला था रेंजर्स को कॉल मिला। अरे रेंजर्स को कॉल नहीं मिला सकता जब तक मेरी यहाँ दुकान है, एक दफ़ा दुकान मेरी चेंज हो जाए ना, फिर देखो आपका भाई आपके साथ जाके जो है ना कंप्लेन करेगा। बेटा मेरे को नहीं कहना अपने से जाके करेगा, जो भी तेरा मसला है मेरे को नहीं घुसे, बोलती कि मेरी जिंदगी में अपने मसले कम है। हाँ ये भी है, लेकिन आपने मशवरा तो दिया था ना। ओए मैंने कोई मशवरा नहीं दिया बेटा, तू जाने तेरा काम जाने, बता रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, इसमें तो मैंने आपको एक चीज चेक नहीं करवाई। क्या चेक नहीं करवाया लड़के? हाँ, मैंने इस पे एक हॉर्न लगवाया, वो कबाड़ियों में मेरे निकला था, मैंने लगवाया है, सुनवाऊ? हाँ लड़के सुना मेरे को, ये देखो अशरफ भाई। बहुत सड़ी का क्या टूटिया पे का है, ये तो जोकर वाला है, ये क्या टूटिया पे का निकलवा इसको। कितना फनी है बहुत सड़ी का, हाथ हटा रहे वरना तेरी गांड में ये हॉर्न दे दूंगा, फिर तेरी नाक दबाऊंगा, तेरी गांड से आवाज आएगी। बहुत सड़ी का अपने चलाई हुई। अरे नीचे ला रहा ना, ये जगह है, रोक यहाँ पे। अरे माशाल्लाह, क्या वेयरहाउस है यार इनका। अबे तुझे हल्का बंदा लगता है ड्राइवर, कहाँ है गाड़ी, अंदर है? हाँ लड़के पीछे ले, पीछे खड़ी हुई लड़के। क्या करना, फिर स्टार्ट करके देखनी है? अबे इतना टाइम नहीं है, वैसे बहन के पापे डुक गए मेरे, बैठे बैठे स्प्रिंग निकल गए। कौन सी खटारा गाड़ी है तेरी लड़के, यार ये चेंज कर इसको। हाँ तो आप पैसे दे दो, चेंज कर लूँ मैं, बातें करवा लूँ जो भाई आपसे। बस एक मिनट, इसके नीचे हुक वुक है यानी? अबे जैसे भैया टो कर यार, इसको जल्दी निकाल यार इसको नासिर। हाँ मैं टो करता हूँ इसको, सही है, और फिर आपके घर पे ड्रॉप करते हैं इसको। अबे मेरे घर पे कहाँ ड्रॉप कर रहा है, खाली गाड़ी है, मैं कैसे चला के लेके जाऊँगा, खराब है भिंड की आँख, इसमें कुछ है ही नहीं भिंड की आँख। अरे तो मैं नहीं खड़ी कर सकता, मेरे पार्टी वालों से मसले चल रहे हैं भाई, आपको पता है, फिर वो कुछ इसको डैमेज कर देंगे, आप मेरे को बोलोगे। एक तो तेरे पार्टी वालों से मसले, भिंड की आँख, हाँ रिस्क नहीं ले सकते। अबे मेरी मेहरान तो तेरे वेयर हाउस में नहीं है, ये ना उसकी वहाँ चोट दें वो। अरे नहीं, वो तो मैंने छुपा के खड़ी की हुई है, जब आप पैसे दोगे तो मैं ले आऊँगा ना। हाँ बट लड़के, आज कल में मैं तेरे को पूरे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, सही है, मेरे को बट गाड़ी दे दियो तू। हाँ हाँ, जैसे आप रकम दोगे मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। अच्छा भाई ये क्या हुआ, कहाँ ठोके आपने? अबे मैंने नहीं ठोके, ये आपने गांड मराई की थी। ये देख यार, इसका दरवाजा भी ढीला हो गया लड़के, सही है, वो भी करवाना है, और भाई ये स्टार्ट नहीं हो रही, वो भी करवाना है लड़के, और ये जो है ना, ये गांड जैसा सुराख हुआ है शीशे में, इसको भी जो है ना लड़के शीशा दूसरा लगाना है। अबे इसमें तो यार अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल मैं फारिग नहीं हूँ ना। चलो ठीक है, इसको मैं एक ही दिन में फिर निपटा दूंगा,
लेकिन भाई ये आप अपने घर पे खड़ी रखो, मेरे पास जगह नहीं है, पार्टी का मसला चल रहा है। चल लड़के सही है, पर घर पे उतार दे जल्दी, फटाफट इसको टाँका लगा भी सही है, चलते हैं। हाँ चलो आओ बेटो, वो तो मैं रिवर्स करके ही लगा दूंगा। वाह ये काम तेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक है। हाँ ये तो सिस्टम मैंने इवन लगाया हुआ इसमें। और सड़ी के जो तुझे काम के लगाने वाली वो तो तूने लगाई भी नहीं है। कौन सी काम की चीज है अशरफ भाई? अबे सीटें देखना, स्प्रिंग निकलने पापे डूब गए मेरे, बैठे बैठे कोशन ही खत्म हुए मैं। हाँ अभी एक गद्दी आई हुई थी मेरे पास कबाड़ी, वो मैंने अपनी ड्राइविंग सीट पे लगा ली। और ठीक है ड्राइविंग पे गड्डी लगी हुई है। ड्राइविंग पे देखो कितनी नरम है, देखो उतर के। हाँ दिखा मेरे को। हाँ देखो अशरफ भाई देखो कैसी गद्दी लगाई हुई है। ओए देखना दे मेरे को। ओए अब सुकून आया मेरे पापों को यार। ओए है ना अशरफ भाई कैसी लगी हुई है फिर, है ना बड़ी टाइट है ना? अबे ऐसी वैसी लगी हुई है। हाँ चलो अब उतरो, अब मैं बैठता हूँ, चलानी है भाई लंबा रास्ता है। बहुत ठीक है बैठा रहे, अब तू इसी पर मैं चला के लेके जाऊंगा। अरे ये क्या बात यार, आपने तो मेरे को चूतिया बना दिया। अबे मैंने चूतिया नहीं बनाया तेरे को, तू है ही चूतिया। यार ये सही है अशरफ भाई, मेरे से पूछ रहे थे कि भाई ये कैसी है सीट कैसी है, और खुद बैठ गए। वाह अब बहुत ठीक है, जैसे मेरे स्प्रिंग चुभे हैं ना अब तुझे चुभेंगे। बहुत ठीक है बैठा रहे चुपचाप, अब आराम से बैठ बेटा। वही वैसे सही करे लड़के, सीट तो तूने टाइट बनाई है। कैसी है फिर? उई है क्या हुआ, क्या सीख रहे? अरे यार आपने थोड़ी मोड़ी ना, स्प्रिंग घुस गया मेरी गाड़ में, हल्के चलाओ यार। वैसे सही बोल लूं मैं ना, इसके भी कुशन ला के लगाऊंगा, बड़ी चुभ रही है यार ये। मैंने बोला था तेरे को मेरे ऐसे थोड़ी पापे रुक गए लड़के। गरम चाय की प्याली हो का चुप हो जाए, समझ गया मैं तुझे चाय चाहिए, गाना मत गया मैं समझ गया तुझे चाय पीनी है, पिला दूंगा सबर कर। समझ गए ना आप, मेरे चाय पीनी है यार, मैंने सोचा दोबारा बोलूंगा आप मेरे को गंदी गंदी गालियां दोगे, इसलिए मैंने बोला गाना गा दूं, समझदार हो आप? हाँ समझदार हूँ मैं। आप कहाँ जा रहे हो, यहीं पे तो है? बहुत सड़ी के पीछे खड़ी करनी है ना गाड़ी, ये जगह नहीं है इस गाड़ी की। अबे पीछे क्यों खड़ी कर रहे हो, चोरी वोरी हो जाएगी। अबे पीछे मतलब इधर खड़ी करनी है, बहुत ठीक है धक्का दे के पीछे करूंगा गाड़ू। अरे ठोक क्यों रहे हो? बहुत ठीक है पहले से बड़ा सही है ये ट्रक, ठोक क्यों रहे हो? यहाँ पे खड़ी कर रहे हो अच्छा भाई, देख लो कोई मसला ना हो। अबे यहाँ नहीं खड़ी कर रहा, टेंशन नहीं ले तू, मैं इसको खड़ी कर दूंगा कहीं और भी, हेल्प कर रहा हूँ मैं। पीछे हट यार तेरी कोई जरूरत नहीं है, हेल्प कर रहा हूँ मैं। अरे ये भी बड़ी लोहा लाइट गाड़ी है। अरे अच्छा भाई क्या कर रहे हो, ठुक जाएगी। बेटा है कोई नहीं ठुकेगी, ये ठुकेगी तो आवाज आएगी ना भैया के। अबे क्या कर दू लग जाएगी। अबे लगने दे, मेरी गाड़ी है तुझे क्या, इस जगह पे खड़ी करूंगा बहन की आंख, वहां देख कितना कचरा पड़ा हुआ लड़के। अरे यहाँ से जगह भी लॉक हो गई। अबे किसी का बाप की जगह मेरी जगह, या किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता लड़के। अच्छा चलो यार आप चाय हो जाए गरम चाय। हाँ बहुत ठीक है, अरे चाय पिलाता हूँ तेरे को गरम चाय, इसको भी ना चाय की पड़ी हुई है, यह अभी भी भेड़ का लोड़ा नहीं आया। बहुत ठीक है इसको मैं बताता हूँ, जीता जिसके एक तो ये भी ना गहन का बुखार है, भोसड़ी का चाय पीनी है इसको। चलो उसको चाय पिला के ना, गंदी सी चाय पिला के इसको फारिक कटो, नहीं तो यार ना ये लहू बन जाएगा मेरा, रोज चाय पिएगा। चलो भाई निकलते हैं यार, अब आबिद का मैंने पता करना है। We'll be right back.